हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर अगेन हियर आफ्टर समर ब्रेक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीबीएसई क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, द क्रोज एंड द ब्लैक स्नेक। वंस अपॉन अ टाइम A family of crows lived in a huge banyan tree. एक बार एक क्रो का परिवार एक विशाल बरगद के पेड़ पर रहता था। There was a father crow, a mother crow and many baby crows. उसमें एक फादर क्रो था, एक मदर क्रो और उनके बच्चे रहते थे। One day a huge snake came to live in the hole at the bottom of the tree. एक दिन एक विशाल सांप उस पेड़ के नीचे बने बिल में रहने के लिए आया। द क्रोज वर अनहैप्पी अबाउट दिस बट कुड डू नथिंग। जो कौवे थे वो इस बात से काफी नाखुश थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। सून मदर क्रो हैच्ड अ फ्यू मोर एग्स एंड सम मोर बेबी क्रोज वर बोर्न। जल्द ही मदर क्रो ने कुछ बच्चे और अंडे दिए जिससे जब कौवे When the crows flew out in search of food, the snake ate up the babies. जब कौवे एक दिन खाने की तलाश में गए हुए थे तो उस सांप ने उसके बच्चों को खा लिया। When the crows returned, they could not find their babies. जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे वहां पर नहीं थे। They hunted high and low but to no avail. वो इधर उधर तलाश में गए लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मदर क्रो गेव बर्थ टू सम मोर बेबी क्रोज। कुछ महीनों के बाद मदर क्रो ने कुछ और बच्चों को जन्म दिया। दिस टाइम मदर क्रो स्टेड होम व्हेन द फादर क्रो वेंट आउट इन द सर्च ऑफ फूड। इस बार मदर क्रो घर पर ही रुक गई जब वो फादर क्रो खाने की तलाश में बाहर गया। Ignoring the fact that Mother Crow was keeping a watchful eye on her baby, the snake still slithered up the tree and attacked the babies. इस बात से बिल्कुल अनजान था वो सांप कि वो Mother Crow इस बार घर में रुक गई। इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर भी पेड़ पर चढ़कर उन बच्चों पर हमला किया। Mother Crow tried to fight the snakes off, but she was not enough strong enough. मदर क्रो ने अपनी पूरी कोशिश की उस सांप से लड़ने की लेकिन वह इतनी मजबूत नहीं थी। हेल्प हेल्प शी क्राइड। वह रोई चिल्लाई मदद के लिए। अदर क्रोज केम टू हर एड बट द स्नेक हैड ऑलरेडी ईटन द लिटिल वंस एंड क्रोड बैक इनटू द इट्स होल। अन्य जो कौवे थे वो उसकी मदद के लिए आए लेकिन तब तक वो सांप उसके बच्चों को खाकर अपने छेद में रेंगकर वापस जा चुका था। When father crow returned, he found all the crows weeping. जब फादर क्रो वापस आया तो उन्होंने देखा कि जो सभी कौवे रो रहे हैं। He consoled his wife who wanted to leave the tree house immediately. उसने अपनी वाइफ को सांत्वना दी जो कि बहुत जल्द इस घर को इस हाउस को छोड़ना चाहती थी। फादर क्रो सेड दैट दिस ट्री हैज बीन आवर होम फॉर मेनी इयर्स एंड वी मस्ट लिव हियर। फादर क्रो ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ये जो हमारा घर है, ये ट्री हमारा बरसों से हमारा घर रहा है, इसलिए हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए और यहीं पर रहना चाहिए। He thought of asking a wise old fox for help in order to get rid of the snake. उन्हें सोचा कि क्यों ना हमें एक बुद्धिमान लोमड़ी से मदद लेनी चाहिए। The fox, old fox came up with a brilliant plan. इसलिए वो लोमड़ी के पास गए और लोमड़ी के पास एक बहुत अच्छा प्लान था, brilliant plan उसने बताया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लेवर होती है। He told them go to the river bank tomorrow morning when the ladies of the royal family will be bathing. उसने कहा कि तुम सुबह होते ही नदी किनारे जाना, वहां पर शाही परिवार की लेडीज
स्नान करने के लिए आएंगी. देयर क्लोथ्स एंड वैल्यूएबल्स विल बी केप्ट ऑन द रिवर बैंक व्हाइल द सर्वेंट्स विल बी वॉचिंग ओवर देम फ्रॉम अ डिस्टेंस. उसने कहा कि वो जब वो स्नान कर रही होंगी तो उनकी क्लोथ्स और वैल्यूएबल थिंग्स जो भी हैं वो रखी होंगी और उनके सर्वेंट्स दूर से ही उन चीजों पर निगाह रख रहे होंगे. तब क्या करना है आपको, द फॉक्स आस्क्ड द क्रोस टू पिक अप अ नेकलेस एंड फ्लाई अवे मेकिंग अ रोसियस नॉइस. उसने कहा उस समय आपको उसमें से एक नेकलेस लेकर उड़ना है और एक कर्कश आवाज करते हुए उन जो सर्वेंट्स हैं उनका ध्यान भटकाना है. दिस वुड मेक द सर्वेंट्स चेस देम टू द ट्री व्हेन द क्रोस वुड ड्रॉप द नेकलेस इनटू द स्नेक्स होल. और उन्हें सर्वेंट्स को ध्यान भटकाते हुए अपने पीछे पीछे लाना है और लाकर वो नेकलेस उस पेड़ की उस बिल जहां पर उसका सांप का बिल है वहां पर उस नेकलेस को छोड़ देना है. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द क्रोस फ्लू इनटू द रिवर बैंक मदर क्रो पिक्ड अप अ पर्ल नेकलेस एंड फ्लू ऑफ एज फादर क्रो कॉल्ड लाउडली टू द अट्रैक्ट द सर्वेंट्स अटेंशन. इसलिए जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब सब कौए जाते हैं रिवर किनारे तो वो जो मदर क्रो होती है वो उड़कर जाती है और एक पर्ल नेकलेस उस शाही परिवार का पर्ल नेकलेस लेकर और उन कौ और उड़कर आती है वापस. और जो फादर क्रो होता है वो उनका ध्यान भटकाता है अपनी कर्कश आवाज से. द सर्वेंट्स रेन आफ्टर मदर क्रो एंड रीच द वेलियंट ट्री. सर्वेंट्स पीछा करते करते मदर क्रो का पीछा करते करते वेनियन ट्री तक पहुंच जाते हैं. दे डग अप द होल एट द बॉटम ऑफ द ट्री एंड किल द स्नेक विद द स्टिक टू टेक द नेकलेस फ्रॉम देयर. और वो उस बिल के पास पहुंचते हैं जहां नेकलेस पड़ा होता है और उस नेकलेस को लेने के लिए वो सांप देखते हैं. वहां पर एक सांप होता है पहले से ही, तो वो स्टिक की मदद से उस सांप को मार देते हैं. इस तरह से आपने देखा कि क्लेवर फॉक्स के आइडिया से उस सांप का अंत हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर 1 यहीं पर फिनिश होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.